तो भाई मैं हूँ आपका अपना हार्दिक मनचंदा। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई एक मस्त एकदम चाइनीज़ कंपनी की कार। ठीक है चाइनीज़ कंपनी, बट देन भाई जब फीचर्स की बात करते हैं ना फिर आपने देखा भाई चाइनीज़ है क्या है। अभी इस हमारे सामने लिखा भाई BYD, इसकी फुल फॉर्म भाई मैं आपको बताता हूँ, बिल्ड योर ड्रीम्स। जो कि भाई उसकी गाड़ी मेरे सामने खड़ी है इस वक्त E6, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, भले ही चाइनीज़ है भाई, लेकिन फीचर जब आप देखोगे ना इसके अंदर, मतलब एक एक फीचर का, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अभी बात करते हैं भाई सबसे पहले अगर फ्रंट से, तो फ्रंट में इसके अंदर यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है, यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प इसके अंदर आपको मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर, ये आपको कंप्लीट हेलोजन इसके अंदर ट्रीटमेंट मिलता है प्रोजेक्टर के अंदर। एंड यहाँ पर भी फॉग लैम्प इसके अंदर आपको नहीं मिलता, क्योंकि भाई इसकी हेडलाइट की जो थ्रो है, इसका हेडलाइट का जो थ्रो है प्रोजेक्टर के साथ, बहुत अच्छा थ्रो है, नाइट में कंप्लीट विजन देगा। और ये आपको मिल जाती है डे टाइम रनिंग लाइट DRL, यहाँ पर आपको मिल जाता है। फ्रंट में ग्रिलिंग की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको इसके अंदर हर, मतलब लगभग जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है सबके अंदर लगभग आपको ऐसी ही ग्रिल मिलती है। और ये जो है गाड़ी, ये कॉम्पिटिशन देगी भाई MG ZS EV को, मतलब उसकी कॉम्पिटिशन में उसी प्राइस रेंज में निकली। अगर प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो ये उसी के सम अराउंड ही आती है, 29,15,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस अगर हम बात करते हैं। यहाँ पर फ्रंट में आपको मिल जाता है BYD रिटर्न, बिल्ड योर ड्रीम्स। यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रोम गार्निश कंप्लीट। कार का कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि होना भी चाहिए था भाई, एक यूनिक कंपनी और यूनिक कलर के साथ काफ़ी अच्छी प्रेजेंस होती है भाई कार की जब एक रोड पे आती है कार। और यहाँ पर भी सेम वही सब कुछ दिया गया है। फ्रंट से तो कार बहुत अच्छी, बहुत बोल्ड। अब बात करते हैं अगर साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हर बार की तरह टायर प्रोफाइल से। तो टायर प्रोफाइल इसके अंदर जो दी गई है वो दी गई है भाई 215/55R17, 215/55R17 की इसके अंदर टायर प्रोफाइल दी गई है। अलॉय व्हील बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, सही बता रहा हूँ पर्सनल परस्पेक्टिव से। एंड आपको भी फॉर श्योर जब आप इस गाड़ी को देखोगे अपनी आई से, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है E6 आपको। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पर टायर जिस ब्रांड का मिलता है, वो मिलता है भाई चाओ यांग, मतलब कंप्लीट चाइनीज़ गाड़ी है, ब्रांड ही चाइनीज़ है, तो टायर वैसे भी चाइनीज़ है, बट देन ये कंप्लीट चाइनीज़ टायर चाओ यांग, बट देन कंपनी के टायर जो है रिलायबल है कंप्लीट। अब और साइड प्रोफाइल में अगर बात करते हैं तो साइड से भी कार बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अभी साइड प्रोफाइल में मैं बात करने वाला था भाई आपसे ORVM की। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यहाँ पर आपको नीचे कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, ये बॉडी पेंटेड आपको मिलते हैं। इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर इसके ऊपर आपको मिल जाता है LED। और बात करते हैं अगर यहाँ साइड डोर हैंडल की, तो ये आपको मिल जाता है बॉडी पेंटेड ही मिलता है E6 में। ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर इसके ऊपर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको रूफ रेल्स यहाँ पे ऐसा सच नहीं मिलती। कुछ ऐसी है कार की साइड प्रोफाइल, कार की सारी डायमेंशंस, हाइट, लेंथ, विड्थ और सारा ग्राउंड क्लियरेंस कंप्लीट आपके यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। रियर में चलते हैं तो रियर में यहाँ पर आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, रियर में भी टायर प्रोफाइल वही सेम और डिस्क ब्रेक मिलती है। तो भाई इस वजह से जो, तो डिस्क ब्रेक का काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ जब आप कार को हाई स्पीड में रन कर रहे होते हैं। फ्रंट में भी डिस्क एंड रियर में भी डिस्क, जो कि काफ़ी अच्छी हेल्प करती है ब्रेकिंग में। यहाँ पर आपको स्पेस रिटर्न मिल जाता है, यहाँ पे कंप्लीट क्रोम गार्निश आपको मिल जाती है। रियर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं अगर रियर प्रोफाइल की कार की, तो रियर से भी कार बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी कार बनाई गई है। ओवरऑल बात करते हैं अगर BYD ने जो E6 बनाई है, ऑटो 3 भी इसकी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड E6 भी काफ़ी अच्छा है मार्केट में। इनकी भाई सेल ना बढ़ती जा रही है, मतलब कार अब लोगों को समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं लोग, और उनको पसंद भी आ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज भी ज़्यादा है, वो मैं आपको जब बताऊंगा जब मैं आगे बोनेट की तरफ जाऊंगा, हुड की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है BYD का लोगो यहाँ पर दिया गया है। ये आपको रियर में कैमरा दिया हुआ है जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, वो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब मैं गाड़ी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर मिल जाता है रियर वाइपर, ये डीप फोकर रियर में आपको मिल जाता है। यह आपको मिल जाता है वॉशर, जो कि काफ़ी यहाँ पे इतने अच्छे यूनिक तरीके से दिया गया है। ये आपको हाई स्टॉप माउंटेड लैंप यहाँ पे मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना मिलता है, वो भी बॉडी पेंटेड ही आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। क्रोम गार्निश यहाँ पर मिल जाती है। रियर में आपको मिल जाता है टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स। ये आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, जो कि LED नहीं है, ये ऐसे ही है सिंपल रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेन जो मेरे को इस गाड़ी में लगी, बहुत अच्छी प्रिकॉशन लिया गया, मतलब सेफ्टी को देखते हुए, मतलब बहुत अच्छा, वो है ये भाई रियर में भी आपको मिल जाता है फॉग लैम्प, वो भी आपको मैं जगा के दिखाता हूँ कैसे जगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट है रात को अगर आप जा रहे हो, कभी स्मोक में ड्राइव कर रहे हो, रेन में ड्राइव कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। और अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बैटरी को, कार के अंदर जो बैटरी लगी है उसको चार्ज करने के लिए AC DC चार्जर जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये ऐसे कुछ। और अगर आपको इसके अंदर DC चार्ज करना हो तो आपको ये दोनों ही रिमूव करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी आपको लिख जाता है स्पेस रिटर्न मिल जाता है, उस साइड में भी था एंड इस साइड में भी है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट क्रोम एक लाइनिंग मिल जाती है डोर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कार को इंप्रेसिव एंड साइड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे रही है कार को। और अब भाई सारा कुछ हो गया, मतलब ORVM बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब बात करने भाई, अब बाहर से तो कार बहुत अच्छी है, फीचर्स में कमी नहीं है। अभी चाइनीज़ गाड़ी, तो भाई अंदर क्या क्या फीचर दिए गए वो भी तो बताना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले चलते हैं भाई अगर ड्राइवर साइड पे, ये पहले चलते हैं रियर साइड पे। तो रियर डोर पे खोलते अगर सबसे पहले, रियर सीट्स पे अगर चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ साइड डोर पैनल ऐसा। यहाँ पर कंप्लीट आपको लेदर राइट यहाँ पे मिल जाता है ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिल जाती है वाइट में जो मिलती है, कार को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम लुक देती है अंदर से भी। और यहाँ पर मिल जाते हैं पावर विंडोज के ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल, यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ, बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है हैंडल जो कि क्रोम फिनिश में आपको भी मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पीकर। अब स्पीकर इसके अंदर कितने, टोटल 4 स्पीकर सेट इसके अंदर मिलता है। अब चलते हैं भाई फटाफट से कार के अंदर। तो कार के अंदर थंब जो मेरे को पर्सनली सुनाई दी है, हालांकि अभी तक इसका एनकैप नहीं हुआ क्रैश टेस्ट इसका, बट देन भाई एक पता चल जाता है कार के अंदर बैठ के कार का थंब कैसा है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, थंब है नो डाउट है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रियर सीट्स की। तो रियर सीट्स आर मच मोर कंफर्टेबल भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब आप लंबे रूट पे जाओगे, लंबी ट्रिप्स पे अपनी फैमिली के साथ जाओगे, तो काफ़ी कंफर्टेबल ये कार रहने वाली है। एंड लेग रूम तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही दिया गया है रियर में। एंड आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 5'8" हाइट है मेरी, उसके हिसाब से मैंने आगे वाली सीट एडजस्ट करी हुई है। एंड उसके बावजूद भी रियर में जैसे भी मैं बैठा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेग रूम इसके अंदर मिल जाता है। और जहाँ पे हमने पैर रखे हुए हैं ना भाई, ये तो भाई हमने पैर मैट के ऊपर तो रखे हुए हैं, अभी मैट के नीचे गया है, मैट के नीचे फ्लोर, अब उस फ्लोर के नीचे कंप्लीट सेटअप दिया गया, बैटरी यहाँ पे प्लेस्ड है। क्या मस्त दिमाग लगाया भाई BYD ने। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऊपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स, ये आपको रीडिंग लैंप यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको चाहो तो डोर पे कर सकते हो, एंड सिंपल आप इसको ऐसे भी ऑन कर सकते हो। यहाँ भी अगेन ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ भी स्पीकर मिल जाता है आपको एक, टोटल 4 स्पीकर का इसमें सराउंड सिस्टम आपको दिया गया है। ये आपको हैंडरेस्ट इस गाड़ी में नहीं मिलता, तीनों जो रियर सीट है इसके अंदर तीनों आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों के तीनों एडजस्टेबल है। और यहाँ से अगर आप बूट स्पेस देखोगे तो भाई बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो मैं आपको भी पीछे जा करके बताता हूँ। यहाँ आपको मिल जाता है AC वेंट, यहाँ पर भी आपको रिटर्न मिल जाता है BYD, मतलब बिल्ड योर ड्रीम्स कंप्लीट, यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाता है। नीचे आप बात करते हैं, नीचे आपको मिल जाता है, यहाँ पे कंपनी ने सी शेप ना देखे ए शेप ही दी है, और यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाता है अगेन। और कुछ ऐसा दिखता है रियर पैसेंजर्स को रियर में बैठ के कि आगे का डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है कैसे नहीं, तो कुछ ऐसा प्रीमियम से लुक देता है डैशबोर्ड जब आप पीछे बैठते हो, बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं कार के अंदर एयर बैग्स कितने मिलते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को भी नज़र में रखते हुए, तो उसके अंदर मिल जाते हैं भाई टोटल 4 एयर बैग्स। अब बहुत अच्छी प्लेसमेंट करेगी एयर बैग्स की, वो कैसे, दो तो आपको एज यूजुअल एक इधर डैशबोर्ड में मिलेगा को पैसेंजर के लिए, एक आपको मिल जाएगा इधर ड्राइवर के लिए जो कि स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलता है बीच में। और बाकी जो दो मिलते हैं ना भाई वो मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक ये रहा एयरबैग लिखा हुआ, एंड दूसरा आपको अगेन यहाँ पे मिल जाएगा कुछ यहाँ पर, ये भी एयरबैग लिखा, टोटल 4 एयरबैग मिलते हैं। ये दोनों तो भाई यहाँ पे दिए गए पीछे वाले जो पर्सन बैठे पीछे उनको बचाने के लिए भाई। अब बात करते हैं आगे जाने से पहले गाड़ी के बूट की, कि बूट स्पेस कितना दिया हुआ इस गाड़ी के अंदर। बूट स्पेस भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, बूट स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है वो मैं आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिकली नहीं, इसको आपको मैनुअली ही खोलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए लाइट्स, दोनों तरफ LED मिलती है कंप्लीट ये भी, और ये आपको मिल जाता है सिंपल प्रेस, आप इसको कर सकते हो बटन को प्रेस करके आप इसको सिंपली ऊपर करोगे पुल और आपका बूट खुल जाएगा। इलेक्ट्रिकली नहीं है, मैनुअली है, बट देन काफ़ी ईजी टू ओपन है, भारी है बूट नो डाउट, बहुत भारी है। अगर बूट भाई आप खुद देखोगे कितना बड़ा बूट दिया गया इसके अंदर बूट भाई टोटल दिया गया 580 लीटर्स का। क्या बड़ा बूट स्पेस है भाई इसके अंदर, 580 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पर आपको मिल जाता है बूट में भी लैम्प, मतलब लाइट की गाड़ी के अंदर कमी है नहीं, बीच में आपको वहाँ दिया गया है आगे फ्रंट में वहाँ पर जैसे मिलती है हर गाड़ी में, यहाँ बूट में भी आपको लाइट की, ये भी काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो करती है। अब चलते हैं भाई, अब बूट की बात होगी, रियर सीट की बात होगी, अब बात आती है भाई ड्राइवर सीट का, क्या इसमें कम्फर्ट है, कैसे क्या रहने वाला है, अब चल के देखते हैं वो। तो सबसे पहले जैसे मैं इसको खोलेंगे तो सबसे पहले इंप्रेशन पड़ने वाला भाई इसका, यहाँ पर रिटर्न है भाई BYD, और कुछ ऐसा है साइड का डोर पैनल ड्राइवर साइड का। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ की, यहाँ पर आपको कंप्लीट अगेन लेदर पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है वाइट स्टिचिंग के साथ, पावर विंडोज कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ORVM कंट्रोल करने के लिए, एंड आप इसको ओपन भी कर सकते हो यहाँ से, क्लोज भी कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो, एडजस्ट भी आप यहीं से कर सकते हो, डोर लॉक अनलॉक के कंट्रोल भी आपको सिंपल प्रेस, मस्त एकदम से प्रीमियम बटन की फिनिश दी हुई है यहाँ पे, ये चाइल्ड लॉक सेफ्टी के लिए दिया गया। इसके साइड में आपको देखोगे तो क्रोम का सारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाता है डोर हैंडल जो कि क्रोम में ही दिया हुआ है, और कुछ ऐसी है फ्रंट की सीट्स, फ्रंट इंटीरियर का रहा कुछ ऐसा है। साइड ड्राइवर सीट की बात करते हैं, ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं दी गई है यहाँ पे, ये मैनुअली ही आपको करनी पड़ेगी, बट देन ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको एडजस्ट करना। सीट्स की अगर बात करते हैं, सीट्स इसके अंदर काफ़ी अच्छी, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे लेदर की दी गई है सीट्स, इसमें आपको
काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। यहाँ पे लंबर सपोर्ट की बात कर लो, आप थाई सपोर्ट की बात कर लो, ये कंप्लीट बहुत अच्छा दिया गया इसके अंदर कंफर्ट लेवल। चाहे फिर वो बात कर लो रियर पैसेंजर्स के लिए, और चाहे फिर वो बात कर लो फ्रंट जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो भी पर्सन चला रहा है, वो भी मस्त इसको कंफर्टेबल हो के कहीं भी ले जा सकता है। और अब चलते भाई फटाफट से कार के अंदर, कि अंदर क्या कुछ रहने वाला है, कार के इंटीरियर में क्या कुछ रहने वाला है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं आपको कार स्टार्ट करने से पहले आपको फ्रंट मैट के ये दिखाना चाहता हूँ कार की फोब कैसा है। तो कार का भाई की फोब है कुछ ऐसा, इसको आप दो बार दबाओगे तो भाई बूट खुल जाएगा, या फिर आप इसको प्रेस करके रखोगे तभी बूट खुल जाएगा। यहाँ आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक बूट के लिए, एंड यहाँ आपको मिल जाता है कार अगर स्टार्ट करनी है, आप बाहर खड़े हो तो आप कार इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार के फ्रंट इससे स्टेयरिंग से, फिर कर देते भाई कार को स्टार्ट। एंड आप इसको बटन गियर स्टार्ट स्टॉप बटन, आप जब ये बटन दबाओगे तो ऐसे होगी नहीं कार स्टार्ट, यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा मिल जाएगा प्रेस ब्रेक पेडल एंड देन आपकी कार होगी स्टार्ट। मैंने नीचे ब्रेक दबाई एंड इसको दबाऊंगा एंड कार सीरियसली मैन स्टार्ट हो चुकी है भाई कार। और भाई बिल्कुल भी ना कुछ भी, ठीक है भले ही इलेक्ट्रिक है लेकिन भाई कुछ भी फील नहीं है, कुछ भी लिटरली में कुछ भी फील नहीं है, बहुत अच्छी है भाई इलेक्ट्रिक कार BYD। यहीं पर आपको मिल जाता है कंप्लीट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। बीच में जो MID आपको दी गई है इलेक्ट्रिकली जो है, आप उसको यहां से एडजस्ट कर सकते हो। अब वो कैसे, देखो जैसे मैं इधर प्रेस करूंगा इधर आगे ऑप्शंस, एंड आप इसको अपने तरीके से जैसे आप चाहो वैसे आप इसको यहाँ पे एवरेज देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, कितने किलोवाट की बैटरी यूज हो रही है, कितने क्या है कार कंजम्पशन करी है। यहाँ पे फिलहाल रेंज दिखा रही है 492 किलोमीटर्स की, एंड मैं आपको बता दूँ ये कार कंप्लीट चलती है 520-521 किलोमीटर्स चलती है टोटल एक फुल चार्ज में। और इसके अंदर आई गई है भाई 71.7 किलोवाट की बैटरी, जिसको कंपनी भाई 72 भी कह देती है, बट देन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 71.7 किलोवाट की इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है। प्रैक्टिकली 71.7 है, बट देन आप इसको 72 किलोवाट की भी आप इसको कर सकते हो कंसीडर। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट आगे वाइपर के लिए कंट्रोल, रियर वाइपर एंड फ्रंट वाइपर्स के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल हेडलैम्प के लिए, एंड रियर में जो फॉग लैम्प है उसके लिए भी कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और बात कर लेते हैं अगर इधर की फ्रंट में, तो फ्रंट में इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टोटल 4 AC वेंट्स आपको फ्रंट में मिलते हैं। एक मैंने आपको दिखा दिया था इधर, इधर भाई दो ना देके एक ही दे दिए, जो कि बड़ा सारा ही दे दिया, मतलब दोनों को कंबाइन करके ना एक ही बड़ा सारा दे दिया। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको फ्रंट में 4 AC वेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। अगेन यहाँ पर भी आपको जैसे रियर में लिखा है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है भाई बिल्ड योर ड्रीम्स का बैजिंग, आपको मतलब बैजिंग तो नहीं कहेंगे हम इसको, ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है बिल्ड योर ड्रीम्स और BYD आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, स्टीयरिंग आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, जो कि आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब फीचर में तो कार में भाई कोई कमी ही नहीं दी हुई। इस कार के अंदर हॉर्न कुछ कैसा मिल जाता है ना इसके अंदर, वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। कुछ इतना अच्छा और इतना लाउड इसके अंदर आपको हॉर्न आपको दिया गया है 25.65 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आपको मिल जाती है टच स्क्रीन, जो यहाँ आपको मिल जाती है भाई, रोटेटेबल भी है स्क्रीन। अभी रोटेटेबल कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको मैनुअली ही रोटेट कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसे कोई स्विच नहीं दिया गया, इसको आप सिंपली ऐसे करेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब भाई कंप्लीट टैब का काम भी करेगी आपके इसमें। सबसे पहले कर देते हैं भाई AC वेंट्स को ऑफ, ठीक है अभी ऑफ हो चुके। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये स्क्रीन इतनी बड़ी और इतनी मस्त है 25.65 सेंटीमीटर, भाई अपने आप में बहुत कुछ होता है। और आप इसको सिंपली अगर चाहो तो आप सिंपली इसको स्क्रीन की तरह भी ऐसे ऑपरेट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो टैब की तरह भी यूँ चला सकते हैं, एंड अगेन आप इसको चाहो तो आप ऐसे, मतलब यार बहुत ज़्यादा ही ना नेक्स्ट लेवल। पहली कंपनी ऐसी है इस प्राइस रेंज में कि भाई जिसने इंडिया में इतना मस्त फीचर, मैं आपको कह रहा हूँ भाई चाइनीज़ है, ठीक है अभी उस पर मत जाओ कि भाई चाइनीज़ है कुछ है, ठीक है ऑलवेज सपोर्ट इंडियन, बट देन भाई जब आप इसमें बैठोगे ना आप कहोगे भाई ठीक है ये भी बहुत बढ़िया है, और मेरे को तो भाई फीचर सही है और परफॉर्मेंस ही है, हर चीज़ों में भाई गाड़ी अपने आप में भाई बादशाह बनने वाली आने वाले कुछ ही टाइम में। और यहाँ पर बात करते हैं रियर, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 2 AC वेंट्स यहाँ पर, एंड 2 यहाँ पर टोटल 4 फ्रंट में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस टू कीप सम स्टफ, मोबाइल होल्डर आप इसको कह सकते हो, आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है आपको स्टीरियो के लिए, टच स्क्रीन के लिए, इनफैक्ट आप इसको चाहो तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, इसको सिंपली दबा के ऐसे ऑफ हो जाएगी, एंड आप इसको चाहो तो ऑन भी कर सकते हो। यहाँ से वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ सर आप बात करते हो बहुत सारे कंट्रोल इसके अंदर दिए गए, वो मैं आपको बताता हूँ 1 by 1। ये आपको दिए गए एक स्विच, भाई इसका तो मेन खेल है इस कार के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बेसिकली इसका मेन खेल होता है। वो कैसे होता है, ये एक स्विच है भाई जिसको आप एक बार दबाओगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा स्टैंडर्ड, एंड अगेन दूसरी बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा लार्जर। अब इस बटन का स्विच, इस जो स्विच है बेसिकली इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
इसका यूज़ ये है, जैसे आप एक पर्टिकुलर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो अपनी कार को, ठीक है, एक लंबे स्ट्रेच पे जा रहे हो, तो आपको ये चाहिए भाई कार के अंदर रीजनरेशन भी मैंने करनी है बैटरी के अंदर, आसपास कोई वो है नहीं अलग से चार्जिंग पोर्ट या कुछ नहीं है, तो मेरे को रीजनरेशन करनी है चलती गाड़ी में। अब वो मैं कैसे करूं? वो तो भाई इसका खेल है वो सारा। इस अभी यहाँ पे इसका क्या यूज़ है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, आपने ब्रेक से आपने रेस बेसिकली आपने रेस प्रेस कर रखी है, आप कार को थ्रॉटल दे रहे हो एंड आपने रेस से हटा लिया पैर, आप ये चाहते हो कि आपकी बैटरी जो है वो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं वापस चार्ज होती रहे, रीजनरेट होती रहे उसके अंदर बैटरी जो है। अब वो कैसे होगी, आपने रेस से जैसे रेस दबा रखी, रेस से पैर हटाओगे आप और यहाँ पर आप इस बटन को जैसे ही दबाओगे, अगर ये है स्टैंडर्ड पे, ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड पे अगर है तो क्या करेगी, धीरे धीरे बैटरी रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी, आपको कोई भी अलग सी ब्रेकिंग ऐसा फील नहीं होगी जब तक आप ब्रेक वाले पैडल को नहीं प्रेस करोगे। और अगर आप इसको दबाओगे दोबारा से, अगर आप चाहते हो भाई मेरे को तो ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा वो करनी है, ज़्यादा इससे रीजनरेट करवानी है बैटरी में, तो वो आप कैसे करोगे, वो आप करोगे भाई लार्जर, दोबारा इस बटन को दबाओगे तो लार्जर ऑन लार्जर उस पर चली जाएगी, लार्जर रीजनरेट करेगी। अब वो कैसे करेगी, अगेन रीजनरेशन तो भाई एक ही तरह से होगी, आप रेस से पैर हटाओगे तब। अब इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर और स्टैंडर्ड में, लार्जर और स्टैंडर्ड बेसिकली फ़र्क ये है, स्टैंडर्ड में आप जब रेस से पैडल से पैर हटाओगे, आप थ्रोटल से पैर हटाओगे, तो आपको ऐसा कोई इंजन ब्रेकिंग नहीं महसूस होगी, कार आपकी स्मूथली चलती रहेगी। और इसके अंदर अगर आप लार्जर पे जाते हो तो इसके अंदर क्या होगा ना, आप जैसे रेस से पैर हटाओगे तो उसके अंदर आपको माइनर माइनर से बीच में थोड़े बहुत आपको लगे भाई इंजन ब्रेकिंग भी हो रही है साथ साथ, और भाई जो कि काफ़ी बढ़िया है, जिससे कि क्या आपको एडवांटेज में मिलने वाली है, ठीक है आपको ब्रेकिंग थोड़ी बहुत फील होने वाली है, बट देन इसके अंदर आपको क्या फील होने वाला है ना कि रीजनरेशन बहुत ज़्यादा करेगी, बहुत अच्छे लेवल पे करने वाली है, जो कि भाई मेन खेल मैंने आपको बता दिया पूरी कार में ना इसका है, अगर इलेक्ट्रिक कार है तो, कि कार रीजनरेशन कैसे और कब कर रही है और कहाँ कर रही है। अब बात करते हैं इधर की, तो इधर आपको मिल जाता है फ्रंट के लिए डीफॉगर आपको मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे एसी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको यहाँ स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, यह आपको ऑटो मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाता है हैजार्ड लैंप के लिए स्विच, यहाँ मिल जाता है इको मोड के लिए, यह आपको मिल जाता है स्लिपरी मोड, इसको कंपनी BYD कहती है स्लिपरी मोड। अब इसको स्लिपरी मोड क्यों कहती है, आप जब पर्टिकुलर एक सरफेस पे जाओगे, अगर वो स्लिपरी है, फॉर एग्जांपल आप हिल पे गए हो एंड वहाँ पर कोई सरफेस स्लिपरी है, तो आप वहाँ पर आप इसको प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा भाई देखो ये, अगर आप इसको डिसएंगेज करोगे तो इको लिखा आ जाएगा सिंपल, और अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये साइन सा बना आ जाएगा। अभी इसका क्या यूज़ है ना, यहाँ पे कार जो है अगर आप स्लिपरी उस पर गए हो तो कार जितनी अपनी मैक्सिमम पावर जो टॉर्क होता है ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि आपकी कार पीछे स्लिप ना हो और जिस सरफेस पे आप जाना चाह रहे होगे उस सरफेस पे इजीली आप आगे आगे प्रोसीड कर सकते हो, कार अपना मैक्सिमम उसमें आउटपुट निकाल देगी अगर आप इसको स्लिपरी मोड को ऑन करोगे, जब आपकी कार स्लिप हो रही होगी तब, या कोई स्लिपरी सरफेस है वहाँ पे तब। अब बात करते हैं यहाँ पे गियर की, तो भाई गियर नोब आपको इतनी प्यारी स्लीक सी दी गई है, सिंपली आपको ब्रेक दबा के इसको आप ऐसे करोगे सिंपल, सबसे पहले भाई ये जाएगी न्यूट्रल पे, पार्किंग के बाद सबसे पहले जानी न्यूट्रल पे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपने कहाँ लगी जानी, रिवर्स जाओगे तो भाई रिवर्स के लिए आपको मिल जाता है कैमरा, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर रिवर्स में आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ इसके अंदर आपको दिए गए कैमरा, भाई कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं सच बताऊँगा BYD बहुत अच्छा है भाई ये कैमरा, भाई पिछले जब आप कंजेस्टेड एरिया में कहीं भी आप जाते हो या कहीं मार्केटिंग एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पर भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये और एक पार्किंग जो सेंसर्स होते हैं वो सेंसर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, इसके पीछे जो चारों का मस्त एकदम रिस्पॉन्स है। कैमरे की अगर बात करते हैं क्वालिटी की, कैमरा क्वालिटी भाई क्योंकि अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ दिए गए और हैंग नहीं होता, ये देखो आप हैंग ना मात्र, तो वो भी काफ़ी अच्छा है कि क्वालिटी भी अच्छी है कैमरे की। अब मैं सिंपली इसको ऐसे करूँगा अगर, और इधर कर दूंगा एक बार और, राइट, तो यहाँ पे चली जाएगी भाई ड्राइव मोड पे, और अगर मैं चाहता भाई मैंने गाड़ी दी है खड़ी कर दी है खड़ी, ठीक है, अब मैं चाहता भाई ब्रेक से पैर में हटा लूँ और गाड़ी कहीं भी ना जाए तो मैं सिंपली पी को एंगेज कर दूंगा। यहाँ पर आपको मिल जाती है पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर आपको मिलती है। अब ये ऐसे ही डिसंगेज नहीं होएगी, ये डिसंगेज कब होएगी, जब आप इसको या तो न्यूट्रल पे कर दोगे, न्यूट्रल पे कर दोगे तब जाके आप इसको डिसंगेज करोगे, तब होगी जाके ये, और आप चाहो तो इसको दोबारा एंगेज भी कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट आपको बता दूँ, जब तक कार पी पे है, पी फॉर पार्किंग, जब तक कार पी पे है तब तक आप हैंड ब्रेक डिसएंगेज या एंगेज नहीं कर सकते, जो हैंड ब्रेक है इलेक्ट्रिकली ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एंगेज रहेगी पार्किंग पे। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ, यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो, मोबाइल जिसको आप बोलते हो। यहाँ कंप्लीट आपको मिल जाता है लेदर राइट ट्रीटमेंट दोनों ही तरफ, इधर साथ ही साथ आपको मिल जाती है वाइट स्टिचिंग के साथ आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कार को प्रीमियमनेस देता है अंदर से। दो बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं,
ड्राइवर को पैसेंजर सीट ये भी काफ़ी मतलब सीटिंग कार के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन की बात करो, किसी चीज़ की बात कर लो, कार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली, चाहे लॉन्ग रूट पे जाओ चाहे लोकल चलाओ, आप इस गाड़ी में थकने नहीं वाले। सबसे बड़ी बात है भाई है ना, फीचर लोडेड कार है यार, बहुत बढ़िया कार दी गई है इस बारी, मतलब BYD जो कंपनी है इसने कार बहुत प्यारी निकाली। E6 Atto 3 है वो भी बहुत अच्छी है, उसका भी रिव्यू आपको जल्द ही इसी चैनल पे देखने को मिलने वाले भाई। एंड अब आगे चलते हैं अगर यहाँ पर, तो सेंटर कंसोल काफ़ी मेरे को इंप्रेसिव लगा, यहाँ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हैंड रेस्ट, आप इसको आर्म रेस्ट भी ऐसे बोल सकते हो, तो ये भी आपको कंप्लीट लेदर रैप्ड ही मिलता है इसके अंदर वाइट स्टिचिंग के साथ। अगर आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, साथ ही साथ इसी के अंदर आपको दिया गया स्पेस कंप्लीट मैनेजमेंट बढ़िया कर रहा है भाई स्पेस का ना इसके अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो मिल जाते हैं यहाँ पे पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट आप जिसको बोल सकते हो। और जो भाई स्क्रीन है ये भाई एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो को अभी हाल फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं करती, और सिंपल इसके अंदर आप USB लगा सकते हो एंड बस FM चला सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर है, उसको इसी से चला सकते हो। अब भाई देखो अभी इंटीरियर में और क्या क्या रह गया, वो रह गया भाई यहाँ पे रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है, कंप्लीट LED ही इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड पे भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है आपको। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड पे भी वैनिटी मिरर मिल जाता है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक ठीक है ड्राइवर साइड पे भी आजकल कंपनीज दे रही है, इन्होंने मैं आपको कह रहा हूँ ना, इन्होंने छोटी छोटी चीज़ का भी कार में, एक छोटी छोटी चीज़ का भी कार में ध्यान रखा हुआ है। स्टेयरिंग इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है स्टेयरिंग इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक है या तो इस वजह से या फिर वैसे भी स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट दिया गया इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको दिया गया IRVM जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, आप इसको मैनुअली ही एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर भी मिल जाता है सबसे मेन चीज़ इमोबिलाइजर का, यहाँ पे सेंसर आपको मिल जाता है कि वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। यहाँ पर भी आपको फ्रंट में भी मिल जाता है डैशबोर्ड के यहाँ पे इमोबिलाइजर का सेंसर। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिया गया, आप इसको देखोगे हार्ड प्लास्टिक ज़रूर है, बट देन क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है अंदर। और बस अब चलते हैं आगे इंजन बे की तरफ, कि भाई ये जो कार है ये कितनी क्या पावर प्रोड्यूस करने वाली है वो भी तो देखना भाई। अब इतने मस्त फीचर कार के अंदर, इंटीरियर एक्सटीरियर कार हर जगह से इंप्रेस। अब भाई यहाँ से खुलेगा कार का हुड कि कितने ही, ओह सॉरी भाई मैंने इंजन बोल दिया, बैटरी है इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक है क्योंकि ये, तो चलिए कार कर लेते भाई यहाँ से ऑफ, सिंपल टैप और भाई कार होगी बंद। यहाँ पर BYD रिटर्न मिल जाएगा जब ये बंद हो रहा होगा, बहुत अच्छी भाई MID इसके अंदर दी गई है। अब अगर मैं चलता हूँ भाई बोनट की तरफ ना, हुड की तरफ बेसिकली आप जिसको कहोगे भाई, मस्त एक करिश्मा देखो भाई BYD का भाई वो है यहाँ पे। देखो मैं आपको करूँ छोटी छोटी चीज़ का, यहाँ पे आपको दोनों तरफ हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए कि भाई आपको यहाँ पर भी मेहनत ना लगानी पड़े आपको बोनट गाड़ी का जो हुड है इसको ओपन करने के लिए। सिंपल आप इसको ओपन करो और अपने आप ही चलता चला जाएगा हाइड्रोलिक स्टड्स की वजह से। काफ़ी ज़्यादा मतलब फीचर भाई मार नहीं खा सकती चाइनीज़ ब्रांड की कंपनी ना, कभी नहीं मार खा सकती। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर आपको इंजन ऐसा तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई कन्वर्टर। अभी कन्वर्टर बोलो या इसको कंट्रोलर बोलो, आप इसको जो चाहो वो बोल सकते हो, यहाँ पे BYD लिखा मिल जाता है। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये कन्वर्टर आप इसको बोलो या कंट्रोलर बोलो बेसिकली, इसको नीचे मोटर मिल जाती है कम्प्लीट, यहाँ आपको कार की बैटरी मिल जाती है, मतलब जो सिंपली हर कार में मिलती है। इसका काम क्या है कि कार के अंदर ना बेसिकली AC वो दिया गया है इसके अंदर कंप्लीट बैटरी का, तो ये DC को AC में कन्वर्ट करके नीचे मोटर भेजते हैं, देन वहाँ से बैटरी होती है चार्ज। देख रहे हो इसका काम, देख रहे हो कितना मस्त DC को AC में कन्वर्ट करता है नीचे मोटर तक जाते तक, एंड वहाँ से उसका काम मोटर का आ गया था बैटरी को चार्ज करना। क्या मस्त मैकेनिज्म दिया गया भाई इसके अंदर। और आपको भाई प्रैक्टिकली बताऊँ हर चीज़ इतनी सिमटी हुई सी है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ज़्यादा वायर्स हैं या कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई। आप इधर देख लो और आप चाहे इधर देख लो, इतना सब कुछ, हर एक वायर हर चीज़ है इतने प्रॉपर तरीके से कवर्ड है ना इसके अंदर। आप खुद ये चीज़ देख लो भाई, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ जो मैं खुद देख पा रहा हूँ भाई, आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ इतने प्यारे तरीके से कवर की गई है, ऐसा आपको कुछ नहीं लगने वाला कि भाई क्या ही है क्या ही है क्या, कुछ भी नहीं भाई ऐसा। तो भाई अगर कार की बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, कार कितनी क्या पावर प्रोड्यूस करती है इस बैटरी के साथ, तो भाई ये प्रोड्यूस करती है 70 किलोवाट और साथ ही साथ 180 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है कार। जब आप इसको रोड में एक पर्टिकुलर लेके चलोगे तो आपको यूँ नहीं लगेगा कि भाई पावर लैग आ रहा है कुछ है, बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, और उल्टा कार आपको ज़्यादा मज़ा देने वाली रोड में जब आप इस कार को थ्रोटल देंगे तब। तो भाई अभी यही कुछ था कार का रिव्यू। अच्छा एक मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर, कि जो भाई BYD कंपनी है ना, अगर ये देखो वैसे तो ये चाइनीज़ कंपनी है, बट देन आपके मन में एक डाउट ये रहता होगा भाई ये CBU यूनिट है या CKD यूनिट है। CKD और CBU में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है बेसिकली CKD कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट,
जो कि CKD बोलो या CKU बोलो, आपको जो अच्छा लगे, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट। कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट का क्या मतलब होता है कि भाई ये देखो, इसके पार्ट्स आते हैं बाहर से, चाइना से पार्ट्स इंडिया में लाके यहाँ पर असेंबल यहाँ होती है इंडिया में। अगर हम इसको सीधा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं भाई, इसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी और NSR का बहुत ज़्यादा भी जो है, इसका एक शोरूम प्राइस 29.15 लाख है इंडिया में, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाएगा ऊपर, मतलब 60-65 लाख तक पहुँच जाएगा बहुत ही आराम से। तो उस खर्चे को बचाने के लिए, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कार के न्यू बायर्स होने वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, पॉकेट फ्रेंडली भी लगे कि हाँ इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी कार मिल रही है। तो इस वजह से कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काम बहुत अच्छा करा है कि इसको भाई CKD बना दिया, CKU आप उसको बोल लो, ये इसके पार्ट्स बाहर से ला के यहाँ पर इंडिया में असेंबल होती है ये। तो उस वजह से कार की प्राइस रेंज भी कोई ज़्यादा हाई है सच नहीं जाती। तो कार फीचर तो लोडेड है ही है, E6 BYD की E6, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर दिए गए, छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा गया। अब ध्यान रखा गया तो भाई सेफ्टी में भी ध्यान रखा होगा कंपनी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कार कैसी है, क्या परफॉर्म करती है, क्या नहीं करती। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरबैग्स की, तो इसके अंदर टोटल 4 एयरबैग्स मिलते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर इसमें मिल जाता है, ISOFIX, TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट ऑन पावर सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक एंटी थेफ्ट सिस्टम, रिवर्स रडार। रिवर्स रडार बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, जो कि 4 सेंसर मिलते हैं रिवर्स में, उसको हम रिवर्स रडार भी कह सकते हैं। लो स्पीड BB इसके अंदर मिल जाती है, रियर व्यू कैमरा जो कैमरा मिलता है, और जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ इसके अंदर हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक ड्राइवर को जब वो एक कंजस्टेड एरिया में जाते हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की, कार के अंदर क्या क्या कैसे कैसे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो भाई ना ही सिर्फ सेफ्टी और फीचर्स को इस कार में देखा गया है, साथ ही साथ इस कार के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि एक कार को इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर है, उसको कॉम्पिटिशन देने में बहुत ज़्यादा आगे इसको पहुँचा देते हैं। तो भाई इसके अंदर कंट्रोल जो मिल जाते हैं वो मिल जाता है इसके अंदर EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, HAC हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, HBA हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम, EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, BOS ब्रेक ओवरराइड सिस्टम, EPB इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, VDC व्हीकल डायनामिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये कुछ फीचर्स, कुछ नहीं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जो कि इस कार को काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं मार्केट में स्टैंड होने के लिए। तो हैट्स ऑफ BYD, मस्त एकदम फीचर, हर तरफ से कार भरपूर लोडेड है, चाहे हम कंट्रोल्स की बात कर लें, चाहे हम ड्राइवेबिलिटी की, रिलायबिलिटी की, कार नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रही है मार्केट में। वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना आगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BYD कंपनी के बारे में जान सके कि भाई ये भी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, एंड भाई ये कंपनी कैसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता BYD कंपनी के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनअवेयर है BYD मींस बिल्ड योर ड्रीम्स। और वीडियो को कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके, और बस वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।